पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर गांव, इस गांव का अपना इतिहास रहा है, आज़ादी की लड़ाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है और प्रकृति ने भी इस गांव को सजाया है, संवारा है। इस गांव के पूरब दिशा में पुनपुन नदी प्रवाहित होती है। गांव खुशहाल है, हरा भरा है और बहुत पहले से यहां शिक्षा का भी संचार प्रसार हुआ है। आज़ादी के लड़ाई के दिनों में यहां के लोगों ने, कहा जाता है कि यहां के 400 स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह गांव स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में बड़े नेताओं, बड़े कांग्रेस नेताओं को आकर्षित करता रहा, अनुग्रह बाबू से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक। लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर हम यहां आए हैं यहां के जागरूक मतदाताओं से विमर्श करने के लिए, लोक संवाद करने के लिए। हम यहां के जागरूक मतदाताओं से बात करेंगे और उन्हें आमंत्रित करेंगे अपना विचार व्यक्त करने के लिए कि एक मतदाता मतदान करने के पूर्व क्या सोचता है, विचार करता है, और इस प्रकार विमर्श का एक सिलसिला चले ताकि लोकतंत्र यहाँ पुष्ट हो और भारत मजबूत हो। आइए हम बात करते हैं यहाँ के बुजुर्ग और युवा मतदाताओं से। हमारे सामने है पहले देश, तब हम जब हमारा देश ठीक रहेगा तो हम भी ठीक रहेंगे। तो हमको देश के लिए कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति चाहिए, वह मोदी जी हैं। हाँ, उनके सिवा भारत में अभी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे लोग बोलने वाले बहुत लोग बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं जिनको बोलने ही नहीं आता है। राहुल जी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन अध्यक्ष का गरिमा क्या होता है, भारत का गरिमा क्या होता है? एक प्रधानमंत्री को आपने गाली देते हैं जो पूरे विश्व देख रहा है, या कितना बड़ा भारत के साथ अन्याय हो रहा है, भारत के जनता के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग का तो विचार है, हम तो जो अच्छा काम कर रहा है उन्हीं को वोट देना है। हम लोग तो भाजपा के वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। क्यों देंगे? भावना में भागर के या कुछ भावना का? बहुत पहले ही से देते आ रहा है, अभी दे रहे हैं एकदम अच्छा काम, अच्छा काम कर। पहले जो वादे किए थे कुछ वादा पूरा किया क्या? वादा पूरा किया कि अच्छा काम हो रहा है, अभी देश के लिए बढ़िया काम हो रहा है। नहीं, विचार करके हम लोग को भी बीजेपी का कार्य बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ, फॉरेन पॉलिसी भी इसका ठीक है, होम पॉलिसी ठीक रास्ते पर जा रहा है। हाँ, दो नंबर के आदमियों को इसने रोका है, करप्शन को दूर किया है, जिससे बैंक सिस्टम लागू किया सभी चीज़ में, तो ये सब भ्रष्टाचार को रोक रहा है। ये है स्वास्थ्य पर ध्यान दिए हैं, गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपये का अथी किए हैं, किसानों को फिर पेंशन रूप में देने जा रहे हैं, घोषणा किए हैं। ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इसलिए हम लोग इसको वोट करेंगे। जो भी योजना का लाभ मिलता था वो सीधे अब डायरेक्ट खाता में आता है। हाँ, इससे हमको बहुत फायदा हुआ। इसमें बिचौलिया होता था, बैंक में आता था पैसा, 4 दिन रह जाता था, उसके बाद यहाँ के जो प्रतिनिधि होते थे बांटते थे, उसमें लेट होता था, वो लोग कमीशन कमाता था, इसलिए डायरेक्ट खाता में आ रहा है, हम लोग का बेनिफिट हो रहा है। वादा तो जरूर किए थे, धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, करेंगे, हम लोग उन पर विश्वास है कि अच्छे काम करेंगे। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि संविधान संकट में, संविधान ही खत्म कर देंगे। नहीं, तानाशाह नहीं है, उन्होंने समझे प्रजातंत्र के ला रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। वोट तो हम लोग बीजेपी के देना है सर सबसे पहले, लेकिन किसान के लिए हम लोग को कुछ नहीं मिला है, नहीं मिला है कुछ नहीं। तो वोट क्यों देंगे आप बीजेपी को? क्या करें, कोई पार्टी नहीं इसको सामने, कोई घटना चलाने वाला है भी नहीं। कांग्रेस तो है जी? नहीं, वो भी नहीं है, उसमें कोई नेता नहीं समझ में आता है। नरेंद्र मोदी के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या किया, कुछ गलत सही काम किया है क्या? सब गलत ही किया है, काम सही किया है, लेकिन हम लोग किसानों को कुछ मिला है नहीं अभी तक, अभी तक कुछ नहीं मिला। 72,000 दे रहे हैं। हम लोग तो विचार किए हुए हैं, मतदान करेंगे भाजपा को, भाजपा को मतदान करेंगे। भाजपा को क्यों? भाजपा को करेंगे या नरेंद्र मोदी को करेंगे? नरेंद्र मोदी के ही नाम पर करेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर करेंगे। तो यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म तो है नहीं? ना, वैसा तो कोई बात है ना। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? बहुत काम किया, जो न भी वादा किए थे वो भी काम किया है। सर्जिकल का तो कोई वादा था नहीं, वो भी किया, ऐसे ऐसे बहुत काम किया। हम लोग बीजेपी का विचार किए हुए हैं पहले से। किसको वोट दे आप? बीजेपी पर क्यों विचार कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं कि हम भ्रष्ट से बचे हुए हैं, इसलिए हम विचार किए हुए कि इसी को वोट देना है।
और कुछ दिल्ली में ब्रास्ट हुआ था, उसमें हम 1 किलोमीटर की दूरी में थे करोल बाग में। अच्छा। और हम थोड़ा सा दूरी से बचे। वो मैंने विस्फोट हुआ था करोल बाग में। हाँ हाँ, करोल बाग गफार मार्केट में विस्फोट हुआ था। हम सिक्योरिटी सर्विस में थे, हम थोड़े दूर पर जान बचा हमारा। हमको तो सर परेशानी नहीं हुई है, बिना कोई परेशानी नहीं हुई। मतदाता मालिक के तौर पर आप क्या विचार कर रहे हैं? हम तो मोदी जी के ही अथी करते हैं, जिस मैंने सपोर्ट करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमको मैंने उनका सब चीज़ आपको अच्छा लगा, उनका जो भी कार्य देखे सब चीज़ हमको अच्छा लगा। कहें कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला। नहीं, स्वास्थ्य का दशा वही है, शिक्षा दम गिरा हुआ स्तर है, तो कोई विकास ही नहीं है। शिक्षा से विकास होता है, सड़क बिजली भी वही इस दशा में है, तो शिक्षा से विकास होता है, बाकी चीज़ से विकास थोड़ी होता है। हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। मोदी जी के नाम पर वोट करिएगा? क्यों? कहा है कि देश के लिए अभी प्रधानमंत्री उनको जरूरी है। प्रधानमंत्री चाहिए विचार तो अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जी अभी तो हमारे देश में एकमात्र वही इसके छवि वाले हैं, प्रधानमंत्री के छवि वाले। अच्छा। अभी तो दूसरा उनके छवि के रूप में है नहीं कोई, इस असुरक्षित भी है उनके हाथ में ये देश, अभी इसका उदाहरण है सर्जिकल स्ट्राइक। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के आदमी हैं और अभी देश में नरेंद्र मोदी किसी को कोई विकल्प नहीं है, और बहुत सा ऐसा योजना भी हुआ है, काम किए हैं देश में, जैसे टॉयलेट हुआ, आवास हुआ, मुद्रा योजना हुआ, स्वास्थ्य वाला 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं, किसान को भी साल में 6,000 रुपया 2,000 रुपये किस्त करके बीज खाद खरीदने के लिए दे रहे हैं। इस सब कामों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। विचार करें कि बीजेपी को वोट देंगे। क्यों बीजेपी को देंगे? बीजेपी के देश को ऊंचे पैदान पर पूछा है, आज देश हमारा है जो कि तरक्की पर है, पूरे वर्ल्ड में नाम अपने नाम। जी, विकास तो हमारे गाँव में हुआ, सब तरफ विकास हुआ सर। हम बचपन में थे तो इधर नदी के नीचे जाते थे तो डर लगता था, रोड है, गाड़ी है, सब चीज़ हाथ में। जी सर, मतलब लग रहा है कि हाँ विकास हुआ बहुत, सही रास्ते पर है सर। और हम लोग तो खूनी है, समझिए कि भाजपा का, माने खून हमारा भी है जो भाजपा का है। देखिए, हम तो देश हित के रखते हुए वोट डालेंगे और बीजेपी नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। या आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोकतंत्र जो है वो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों से चलता है, प्रतिपक्ष भी मजबूत हो? देखिए, ये तो बात सही है कि प्रतिपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन प्रतिपक्ष में ऐसा कौन आपको नजर आ रहे हैं जो उनके वैसा जो है जो जवाब दे सके? राहुल गांधी क्या है जो कभी जाके कोर्ट में माफी मांग लेते हैं, बाहर में कहते हैं कि चौकीदार चोर है। तभी हम लोग नरेंद्र मोदी बीजेपी के देंगे, इसलिए कि अभी कोई दूसरा है ही नहीं भारत में। अब राजीव गांधी जी भी वैसा है नहीं, राहुल गांधी जी कि जो हमारे देश को संभाल सकते हैं। अभी की स्थिति ऐसी है देश में, जो हमारे कश्मीर मुद्दा है, जो आतंकवादी है, आज ही न्यूज में आया है कि नेपाल साइड से 3 गो आतंकवादी हेल गया भारत में, तो इसके लिए मोदी ही छोड़ के दूसरा कोई है नहीं है, या बीजेपी, हम लोग बीजेपी के सपोर्ट करेंगे। विकास हो या नहीं हो, देश की सुरक्षा इनके लिए मायने रखता है, और इसी को ध्यान में रख करके अपना मतदान ये करेंगे। फतेहपुर गांव, कृष्णकांत ओझा।